काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने उन पर बीजेपी में रहते एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरने को लेकर कार्रवाई की। काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ने पर पवन सिंह डटे रहे। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से पवन सिंह पर एक्शन लिया गया है। भोजपुरी एक्टर पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह पर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी से पवन सिंह निष्कासित कर दिए गए हैं। पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से चिट्ठी जारी किया है, जिसमें लिखा गया, लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, आपका यह कार्य दल विरोधी है, इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने ये कार्य किया है, अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। पवन सिंह के मैदान में उतरने से 1 जून को होने वाला चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। पवन सिंह को बीजेपी से क्यों आउट किया गया, इसे समझ लीजिए। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने आसनसोल से उन्हें टिकट दिया था। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट भी लौटा दिया था। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को मिला था टिकट। पवन सिंह बीजेपी के सदस्य थे, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में पवन सिंह को बगावत भारी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। उससे पहले पवन सिंह पर कड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी ने सख्त संदेश देने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो।